नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, श्रीजी विद्यालय ऑनलाइन एजुकेशन में आपका स्वागत है। मैं सोनिधि व्या आज आपको कक्षा 6 में हिंदी की 5वीं काव्य धरती को महकाई के अभ्यास और स्वाध्याय का अभ्यास कराऊंगी। सबसे पहले अभ्यास के प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, इस काव्य को टैप रिकॉर्डर द्वारा सुनिए और सामूहिक तथा व्यक्तिगत गान करवाइए। इस काव्य को हमें तैयार करना है। दूसरा प्रश्न है, अंदाज अपना अपना। अब इस संसार में जितने भी लोग रहते हैं, सभी मनुष्य की सोचने की शक्ति, विचार करने की शक्ति अलग अलग होती है। एक व्यक्ति किसी घटना को अलग नज़रिए से देखता है तो दूसरा व्यक्ति उसी घटना को दूसरे नज़रिए से देखता है। तो इस तरह से हमें यहाँ पे 4 दिए गए हैं वाक्य, जिसके आधार पर जो भी है आपको अपनी तरह से सोचना है। यदि सूरज न निकलता तो, यदि बगीचे में पेड़ चलते होते तो, यदि दीपक बोलता तो, यदि पेड़ पौधे न होते तो। प्रश्न नंबर 3 है, प्रश्नों के उत्तर दीजिए जो कि हम हिंदी की बुक में लिखने वाले हैं। आगे है प्रश्न नंबर 4, जोड़ मिलाइए। उसमें है नाम और काम। यहाँ फूल, सूरज, दीपक और मानव दिए गए हैं। उसमें फूल का काम क्या है तो खुशबू देना, सूरज का काम है गर्मी देना, दीपक का काम है अंधेरा हरना यानी कि अंधेरा दूर करना, और मानव यानी कि मनुष्य का काम है अच्छे अच्छे काम करना। आगे है प्रश्न नंबर 5, अ नीचे दिए गए शब्दों के समानार्थी शब्द कविता में से ढूंढकर वाक्य प्रयोग कीजिए। अब यहाँ शब्द दिए गए हैं पुष्प, उसका समानार्थी शब्द दिया गया है फूल, और उसके आधारित वाक्य है मुझे फूल पसंद है। उसी तरह से हमें रवि, भूमि, मानव और दिया, इन शब्दों के समानार्थी शब्द लिखने हैं और उनका वाक्य प्रयोग भी करना है। तो रवि का समानार्थी शब्द है सूरज या सूर्य। वाक्य प्रयोग है हम सूरज को नमन करते हैं। दूसरा है भूमि, भूमि का समानार्थी शब्द है धरती। वाक्य प्रयोग है यहाँ की धरती उपजाऊ है। आगे है मानव, मानव का समानार्थी शब्द है इंसान। वाक्य प्रयोग है इंसान अक्लमंद प्राणी है। आगे है दिया, दिया का समानार्थी शब्द है दीपक। वाक्य प्रयोग है रात में दीपक प्रकाश देता है। यह जो सभी प्रश्न है आपको हिंदी की पाठ्यपुस्तक में लिखने हैं। आगे है प्रश्न नंबर 5, ब चित्र के आधार पर 5-6 वाक्य लिखिए। यह सूरज और फूल इन दोनों का चित्र दिया गया है तो हमें सूरज के आधारित 5 वाक्य लिखने हैं, 5-6 वाक्य, और सूरजमुखी का जो फूल है उसके आधारित 5-6 वाक्य लिखने हैं। तो यहाँ पे सूरज के आधारित 5 वाक्य दिए गए हैं। सूरज दुनिया को प्रकाश देता है, सूर्य का उदय पूर्व दिशा में होता है, शाम को पश्चिम दिशा में वह अस्त होता है, सूर्य हमारे जीवन का आधार है इसीलिए हम इसे देवता मानते हैं। अब सूरजमुखी के फूल के आधारित वाक्य दिए गए हैं। फूल तरह तरह के होते हैं, इनके अलग अलग रंग और खुशबू भी होती है। सूर्य के चित्र के पास ही सूरजमुखी का फूल दिया गया है। यह फूल पीले रंग का होता है। आप सभी ने सूरजमुखी का फूल तो देखा ही होगा, वह हमेशा सूरज की तरफ झुका हुआ रहता है और सूर्य निकलने पर ही खिलता है। यह फूल हमेशा सूर्य की ओर रहता है। आगे है प्रश्न नंबर 6, नीचे दिए गए शब्दों में से उचित सर्वनाम चुनकर रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। आप, कोई, नई, गति, क्या, पानी, अपना और कुछ। अब हमने आगे भी देखा था कि सर्वनाम किसे कहते हैं, तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। यानी कि हम कई बार जो हैं बार बार किसी व्यक्ति का नाम लेकर उसे नहीं बुला सकते, तो उसकी जगह हमें उसे, आप, कौन, इस सब से ऐसा सब कहकर बुलाते हैं, तभी हम सर्वनाम का उपयोग करते हैं। तो यहाँ भी हमें इन सभी सर्वनामों में से उचित सर्वनाम रिक्त स्थानों में रखने हैं। पहला है तुम्हारा नाम तो क्या है, देखो तो कोई इधर ही आ रहा है, खाने के लिए कुछ तो दे दो, बहुत भूख लगी है, मैंने अपना काम पूरा कर लिया, आप कहाँ जा रहे हैं। यानी कि यहाँ पे किसी भी व्यक्ति के नाम का उल्लेख नहीं किया गया है। क्या, कोई, कुछ, अपना, आप, इन सभी नामों यानी कि इन सभी सर्वनामों का उपयोग ही किया गया है। आगे हैं ऊंची आवाज़ में पढ़िए और समझिए। इन शब्दों को पढ़ना है, प्रमाण,
ग्रहण, ट्रेन, राजेंद्र, सूक्ष्म ड्रामा, श्रमिक, कवयित्री, कार्यक्रम, श्रृंगार, शरतचंद्र और श्रेष्ठ। अब स्वाध्याय का प्रश्न नंबर एक देखते हैं, जिसमें प्रश्न दिए गए हैं जो कि हमें हिंदी की बुक में लिखने हैं। आगे है प्रश्न नंबर दो, आपकी कल्पना में जब आप किसी वस्तु का नाम लेते हैं तो उसकी तस्वीर आपके सामने आ जाती है, जरा सोचे तो उससे संबंधित और चित्र भी मस्तिष्क में उभरने लगते हैं। उदाहरण के तौर पर घेरे के भीतर फूल शब्द का नाम लेते ही पंखुड़ियों में लिखे भाव सामने आ जाते हैं। उसी तरह अन्य घेरे में लिखे गए शब्द संबंधी अन्य शब्द सोचकर पंखुड़ियों में लिखे। अब उदाहरण दिया गया है फूल। अब जब हम फूल का नाम सुनते हैं या फूल को देखते हैं तो हमें उसकी ताजगी, उसकी कोमलता, सुगंध और उसकी उसके मिलने वाले खुशी, यह सब भाव हमारे मन में उभर आते हैं। अब उसी तरह जब हम चांद को देखते हैं तब उसकी चांदनी, उसकी शीतलता, किरणें और उस आनंद, जो चांद को देखकर हमें आनंद मिलता है, वह सभी भाव हमारे मन में आने लगते हैं। धरती को अब हम याद करते हैं या जब धरती का शब्द सुनते हैं तो धरती पर उगने वाले या धरती पर जो सागर है उसकी, धरती पर रहने वाले प्राणी, जंगल और पर्वत, यह सभी कहाँ पे होता है तो धरती पर होता है, तो हमें यह याद आ जाता है। वृक्ष को देखते हैं तो उसकी पत्तियाँ, उसकी डाली, उसके ऊपर लगे फूल और उसका तना, इन सभी के बारे में हमारे मन में भाव उत्पन्न हो जाते हैं। आगे है प्रश्न नंबर तीन, समान प्रास वाले शब्द पढ़िए और बोलिए। समान प्रास वाले यानी कि जिसके जो अंत में शब्द अक्षर आते हैं वह समान होते हैं। सबसे पहला है मानवीय, मानवता, महानता, सज्जनता और समानता। बाद में है लंबाई, चौड़ाई, गहराई, पढ़ाई और लिखाई। आगे है चाचा, दादा, नाना, मामा और बेटा। प्रश्न नंबर चार, निम्नलिखित शब्दों का वचन परिवर्तन करके वाक्य में प्रयोग कीजिए। अब उदाहरण वचन परिवर्तन यानी कि एक वचन का बहुवचन करना है तो लड़का, तो उसके बहुवचन होता है लड़के। वाक्य प्रयोग है पाठशाला के सभी लड़के प्रार्थना में नियमित है। आप वाक्य यहाँ पे हम वचन परिवर्तन लिखेंगे पांचों शब्दों का, लेकिन उसका वाक्य प्रयोग आप अपनी तरह से कर सकते हैं। पंखा तो पंखे, आँख तो आँखें, किताब तो किताबें, पौधा तो पौधे, पेंसिल तो पेंसिलें, आप अपनी तरह से इन सभी शब्दों का वाक्य प्रयोग कर सकते हैं। आगे है प्रश्न नंबर पाँच, काव्य पंक्तियों को पढ़कर उनका भावार्थ लिखिए। दीपक को देखो कैसे यह हरदम जलता रहता है, अपना अंतर जला जला कर रोशन जग को करता है। आओ हम भी इंसान बनकर जग में अपना नाम कमाएं, अच्छे सच्चे काम करें और सारी धरती को महकाएं। अब जब हम कोई भी काव्य पंक्ति लिखते हैं तो सबसे पहले लिखते हैं कि यह जो पंक्ति है वह किस काव्य से ली गई है। अगर उसके कवि का नाम दिया गया है तो उसके कवि का नाम लिखते हैं। अगर यह कोई प्रार्थना गीत है, प्रकृति गीत है, तो उसके आधारित हम लिखते हैं। अब यहाँ पे यह पंक्ति जो है वह धरती को महकाए काव्य से ली गई है और यह हम देख सकते हैं कि यह एक प्रकृति गीत है। और आगे इसके बाद हम जो काव्य पंक्ति का भावार्थ है वह शुरू करते हैं। देखते हैं कि दीपक सदा स्वयं जलता है लेकिन हमें प्रकाश देता है। हम भी दीपक की तरह स्वयं कष्ट सहन करें लेकिन दुखी लोगों का दुख दूर करने की कोशिश करें और उन्हें सुखी बनाए। ऐसा करने वाले मानव को ही यश मिलता है, यानी कि वह दुनिया में अपना नाम कमा सकता है। दिल के सच्चे और अच्छे काम करने वाले लोग ही दुनिया को सुंदर और सुखमय बनाते हैं। आगे है इतना जानिए, दिए गए संकेतों के संबंध में जानकारी प्राप्त कीजिए। अब हम कभी भी जाते हैं तो आगे अगर पाठशाला आती है तो थोड़ी दूर यहाँ ऐसा चिन्ह दिया गया होता है कि यह चित्र किसका है, स्कूल, यानी कि हमें जान सकते हैं कि आगे स्कूल है, इसलिए वाहन सावधानी से चलाए। दूसरा चित्र है चिकित्सा सेवा यानी कि दवाखाने या अस्पताल की सूचना मिलती है। पेट्रोल पंप, यह सूचित करता है कि आगे पास में ही या आगे जाकर हमें पेट्रोल पंप दिखाई देगा। चौथा है
सार्वजनिक टेलीफोन, यानी कि इस टेलीफोन का उपयोग कोई भी व्यक्ति कर सकता है, सार्वजनिक यानी कि सभी लोगों के लिए होता है।